सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। फिर मैं अपने दोस्त जो प्रोड्यूसर है राहुल मिश्रा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सब्जेक्ट था मेरा सरकारी दूल्हा, तो मैंने बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। मैंने इनको सुना, इनको पसंद आया, तो ये बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो हम लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट है सरकारी। क्या है सर, सरकारी फिल्म है? ये एक पारिवारिक फिल्म है, त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भोजपुरी में हम थोड़ा सा हटके कुछ बनाना चाह रहे थे। जैसा कि भोजपुरी में जो फिल्म बनती हैं, जो कल्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, उससे हम थोड़ा सा हटके एक परिवार के लिए साफ सुथरी फिल्म बनाना चाह रहे हैं। कोशिश वही है, कहानी अच्छी है। कहानी के लेखक शशि रंजन द्विवेदी जो यहाँ पर हैं अभी, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहो तो फिल्म अच्छी बनेगी। एक है वजह है सब्जेक्ट में, कुछ थोड़ा ट्विस्ट है। एक समाज में एक भ्रांति है, एक जब आप किसी लड़की की शादी करते हैं परिवार में, तो उसके माँ बाप का एक सपना होता है कि लड़का जो है जो सरकारी में हो ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जब आप इंटीरियर में जाते हैं, आप गांव की तरफ जाते हैं, आप लोग सिक्योरिटी देखते हैं लड़की की, कि हाँ सरकार में है, सरकारी है, तो उसकी लाइफ सिक्योर है। सरकारी नौकरी एक्चुअली, तो उसके हिसाब से मैंने देखा। और थोड़ा सा उस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ऐसी हो। तो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। कास्ट की बात करें, कास्ट करना हो चुका है या फिर नहीं? चल रही है बात, अभी दो तीन लोगों से चल रही है, मैं जल्दी ही आपको अनाउंस करवा दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, नेहा प्रकाश की तरफ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत यूनिक टाइटल है ना, सरकारी दुल्हा, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। और हम दो दिन पहले मिले हैं और सर ने मुझे स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा नहीं कि मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा कि वी आर बडी। सो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राहुल मिश्रा जी का और विशाल सर का। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस फिल्म में, मुझे इस काबिल समझा कि आपने फिल्म में कास्ट किया। सो थैंक यू सो मच। विशाल जी, कब फिल्म पे जा रही है, क्या प्लान है? प्लान तो अभी अप्रैल लास्ट तक ही है। यूपी में ही शूट करने का प्लान है, सारी चीज़ें हैं, और गाने हम लोग मार्च लास्ट तक रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अभी प्लानिंग में है, थोड़ा स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाए, थोड़ा वर्कआउट बचा हुआ है करने के लिए। एक बार मेरे पास बाउंडेड स्क्रिप्ट फाइनल आ जाती है, देन वी कैन स्टार्ट। जी राहुल सर, क्या कहेंगे सर, आप दो फिल्म खुशी की बात है कि मेरे पास ये दो स्क्रिप्ट आया और दोनों मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली हम भोजपुरी में पहले असिस्ट कर चुके हैं, बट आज तक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे मतलब नहीं मिला देखने को, जो भी आया मतलब बलगर ही, क्योंकि हम फैमिली के साथ, आज तक कोई भी भोजपुरी फिल्म नहीं है जो हम फैमिली के साथ देख सकें। ये दोनों फिल्म ऐसा है जो अपने हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और विशाल जी आए मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी बीच में हमारे धनंजय जी भी आए, तो हम दोनों फिल्म एक साथ लेके जा रहे हैं। दोनों का साथ में फिल्म जाएगी या फिर क्या प्लान्स करते हो? साथ में ही जाएगा दोनों, दोनों एक ही साथ लेके जाएंगे। सोचा है माइंड में कि नागाबंदी में कौन होगा या सरकारी दुल्हा में दूल्हा कौन होगा? अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सस्पेंस है। थोड़ा सस्पेंस रखिए आप लोग, अभी सब खुलवा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार सर सभी को, आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पे। सबसे पहले फिल्म में बताने से पहले तो ये है कि एक जो टाइम फेस किया सभी ने कोरोना का, उसके बाद जो हम लोग फिर से दोबारा खड़े हुए हैं और एज ए प्रोड्यूसर ये खड़े हो रहे हैं, जबकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि थिएटर्स के बिजनेस सब डाउन है, सब कुछ बंद है, और ऑडियो वीडियो सेटेलाइट इनके भरोसे हम लोग सारा काम करने जा रहे हैं, और इसमें खड़े होना और एक साथ दो दो फिल्मों को लेकर जाना बहुत बड़ी बात। इसके लिए राहुल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेष कि हम कोशिश करेंगे इनके साथ बहुत अच्छा काम करने के लिए। और रही बात फिल्म के बारे में अगर बात करें, तो जैसा कि नाकाबंदी नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, बट इसमें दिखाने की ये कोशिश की जाएगी कि नाकाबंदी एक जो वर्ड है, जिससे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर इधर से निकले और नाकाबंदी हुई है वहाँ पे, तो शायद हम वहाँ से कोई क्राइम नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा अनलीगल पासिंग वहाँ से नहीं कर सकते। बट आज के डेट में वो सबसे सेफर साइड हो गया है क्राइम करने के लिए, क्योंकि सबको पता चलता है कि हाँ नाकाबंदी है, कोई दिक्कत नहीं, कौन से नाके पे है, अगले चौराहे पे, वहाँ 100 रुपये में होगा, उसके आगे वहाँ 1000 लगेगा अगर ये सामान लेके जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, और समाज में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ले के क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं नाकाबंदी, खास करके जो नाइट ट्रेवलिंग में जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, टोल टैक्सेस
जो नहीं पे करते या टोल के नाम पे कई बार लूट होती है, और उससे कैसे एक आम पब्लिक या आम फैमिली जो उससे सफ़र कर जाती है उस चीज को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म के साथ है, और आगे आगे जब भी हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा रिवील करेंगे, शूट पर रिवील करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर सारी चीज़ें देखते हैं कैसा बनता है। कोई एक्टर फाइनल सोचे कि इसको लेंगे के लिए, कुछ सोचा कोई नाम? हाँ, कुछ नाम सोचे हैं, लेकिन अभी हम लोग नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि दो तीन एक्टर अपने माइंड में चल रहे हैं, और बट कई कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी लगता है कि हाँ ये अच्छा है, ये ओके है, बट अभी लॉक नहीं किया उसको, जैसे लॉक करेंगे फिर हम अनाउंस करेंगे, आप लोग बताएंगे न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले आपको ही न्यूज़ जाएगी, आपको नहीं जाएगी तो लोगों तक पहुँचेगी। जी बोलिए सर। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल खड़ा कर रहा हूँ सर, बिल्कुल खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, और मीडिया, जैसे मैं मीडिया की बात करूँ, आप लोग और हम भी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो हमें चौथा स्तंभ इसीलिए बोला जाता है कि हम अपनी बात जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने तक पहुँचा सकें। अगर हम भी डर के, क्या आपको लगता है कि अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं, पता है चालान कटेगा, लेकिन क्यों जाते हैं? पता है ना 100 रुपये में छूट जाएंगे, ठीक है सर। कौन से एक चौराहे पे खड़े हो जाए रात में जिसमें आपको ट्रक जाते हैं और हर ट्रक वाला 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये देके जाता है? क्यों देके जाता है? अगर वो लीगल नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए ना, और पुलिस अगर इतनी अच्छी है तो उसको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक चौराहा दिखाई जिसपे पुलिस वाला खड़े होकर पैसे नहीं लेता है, तो जो समाज की कुरूतियाँ हैं उसको दिखाना ही हमारा कर्म है, हमारा काम ही वही है कि अगर अच्छाई है तो हम अच्छाई दिखाएंगे, बुराई है तो बुराई दिखाएंगे, और ऐसा नहीं है अगर फिल्म है तो अगर उसमें कुछ बुरे पहलू हैं या गलत न्यूज़ जा रही है तो भी एक ठोस सबूत के साथ जाएगी, हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं दिखाएंगे। अगर हमने अगर पुलिस को कहीं भी अगर दिखाया कि अगर पुलिस वहाँ पे गलत है तो पुलिस सही कहाँ पे है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह हर कोई करप्ट नहीं होता और हर कोई ईमानदार नहीं होता, तो इस जो समाज चल रहा है बैलेंसिंग पे चल रहा है, तो उस कैसे बैलेंस होता है और कौन लोग उसको बैलेंस करते हैं वो दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर सकेंगे। शूटिंग जैसे दोनों फिल्मों के साथ में जाएगी, अप्रैल में दोनों फिल्मों के साथ में शूट कर ले जाएंगे हम लोग। इस फिल्म के कुछ सीन्स जो हम लोग मॉरिशस में करने के प्लान में हैं, कुछ चुनिंदा सीन्स हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, प्लानिंग चल रही है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा भोजपुरी को और विस्तार दिया जाए, कई फिल्में पीछे गई हैं जो फॉरेन शूट करके आए हैं, तो हम लोग उस हिसाब से मॉरिशस सेलेक्ट इसलिए किया गया है कि वो भोजपुरी का एक गढ़ है, तो इसलिए हम लोग मॉरिशस सेलेक्ट किया है, तो मॉरिशस कुछ गाने शूट करेंगे, उसके अलावा गोरखपुर देवरिया यूपी का जो है, क्योंकि हमारी बेस स्टोरी होगी आपकी ऑलमोस्ट डन है। राहुल जी बात कर रहे हैं फॉरेन जाने की, जो हमारे डायरेक्टर अच्छा करें उस टाइम तैयार है, नहीं सर लगते है ना, लेकिन हीरो जैसे ये सोशल ड्रामा है, लव ट्राइंगल है, इसमें हम लोग सोशल कुछ इशू को फोकस कर रहे हैं, जैसे दहेज वहेज होता है, और स्पेशली अब हमारे यहाँ क्या है कि लोग सोचते हैं कि अभी सरकारी नौकरी मिल गया तो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हम इसमें बताएंगे कि मतलब वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, और भी कुछ हो सकता है, अब क्या हो सकता है उसके लिए देखिए। राइटर कभी नहीं बताते। मिसाल जी के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर मिसाल जी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है, हमारा जो भी सहयोग है इनके साथ में है, जो करेगा अच्छा करेगा, बहुत सेंसिबल है, स्टोरी की सेंस है, इसको स्टोरी पकड़ के चलता है, बाकी राहुल जी, हाँ राहुल जी हैं, राहुल जी तो मतलब इन्वेस्टमेंट देखेंगे, बाकी काम तो हमारे कंधे पे हैं, हम पे विश्वास किया यही बहुत है। सर नमस्कार सभी प्रेस वालों को और राजू चौहान, और धनंजय के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ काम किया था, मेरा मुझे एसोसिएट किया था, और आज बहुत खुशी है कि मेरा डायरेक्टर हो गए नाकाबंदी के, और विशाल भाई, और शुभकामनाएं हैं, आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है इनकी ज़िंदगी में, ऐसे सरस्वती इनके कैरियर में, इनके जीवन में अच्छा लगे, अच्छा करें, और मुझे मालूम है बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, मेरे साथ में काफ़ी टाइम किए हैं, काफ़ी पिक्चर की हैं, और बस आया हूँ, बुलाया भाई ने, थैंक यू, मेरा आशीर्वाद है, दुआएं हैं, और मैं सदा
साथ में रहूँगा, कभी भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी अटकेंगे साथ में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जी सर, सर शुक्रिया। सबसे पहले तो प्रणाम सबको और बसंत पंचमी की बहुत सारी बधाई। और आज दो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है, नाकाबंदी और सरकारी नौकर, सरकारी दुल्हा, सरकारी दुल्हा। और धनंजय जी बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे कैप्टन की फिल्में देखी हैं, विशाल जी हैं, राहुल जी प्रोड्यूस करें, तो मैं ये कहूँगा कि आज दिन बहुत अच्छा है, अच्छे दिन मुहूर्त हुआ है, तो मेरी तरफ से जो भी विशेष है वो उनके साथ है और फिल्म अच्छी बनेगी ये उम्मीद है। बस राहुल मिश्रा को धन्यवाद, वो शुभकामनाएँ देंगे कि दो दो फिल्में एक साथ फ्लोर पर ले जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, कभी किसी वक्त में मेरे साथ में असिस्टेंट है मेरे यहाँ पे, और आज फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे है इस चीज़ की कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। जी सर, आप कहेंगे सर? देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पे दो दो फिल्में लॉन्च हो रही हैं, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं राहुल जी के लिए, और फ्लोर पे जाए और जल्द से जल्द थिएटर्स में आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल राहुल जी, सर क्या कहेंगे सर सबसे बात बहुत? सर हमारे सीनियर हैं, इनके मतलब हम असिस्ट किए हुए हैं सर को, और काफ़ी इनसे मुझे सीखने को मिला। और सर मराठी डायरेक्टर हैं, तो भोजपुरी का मतलब कुछ हमको अच्छा करने के लिए मतलब काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, जो सर के आशीर्वाद से आज हम स्टार्ट किए। और हमारी ये बहनोई हैं, प्रिंसिपल हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के, तो विशेष देखने आए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जो भी करो अच्छा करो, तो क्योंकि भोजपुरी में ये लोग भी देखते हैं, तो मतलब फैमिली के साथ में कोई भी नहीं देख पाता है, तो जो वल्गैरिटी रहे तो हमारे भोजपुरी सिनेमा में, तो एक अच्छा कदम है कि एक साफ सुथरी फिल्म बने जो हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकें। सो अच्छा लगा हमें कि इन्होंने उस बारे में स्टेप लिया, खुशी है हमें इस बारे। बोलेंगे ना पहले राहुल भैया बोलेंगे, हम बोल चुके हैं, आप कह दिया। राहुल मिश्रा जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और भाई जैसे हैं, और हमारे धनंजय सिंह वो भी हमारे भाई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने बोले कि हम मुहूर्त कर रहे हैं भोजपुरी के लिए और दो दो फिल्में हैं, और आगे इनका प्लान क्या है वो तो मुझे पता है, इन्हें भी पता है। हम चाहेंगे कि राहुल भैया और आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें, हम इनके साथ हैं।